नमस्कार, जीवन उषा के वेब टीवी में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको मैं बताना चाहता हूँ, कुछ समय से पहले प्रदेश में कुछ बहुत ही बड़ी घटना जो है सामने आई थी, जिसमें कि ये घटना जो है जिला हमीरपुर में घटित हुई। जिला हमीरपुर के बड़सर उपमंडल के तहत ननौवा पंचायत के ब्याड़ गाँव में घटित हुई थी, जिसमें कि दो बड़े भाइयों के आरोप लगा था कि छोटे भाई की हत्या करने का, जिसके तहत जो पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। तो इस मामले में जो है जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, उसमें से मृतक के 2 बड़े भाई और 1 भाई की पत्नी, बेटी और दामाद भी शामिल हैं। हालांकि पुलिस ने इस मुकदमे जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, उन बड़सर उपमंडल के ब्याड़ गांव के जो पंचायत के जो लोग हैं, सभी इकट्ठे हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं सभी इकट्ठे पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं, जो कि अब इनका जो है जिन लोगों को गिरफ्तार किया उसके पक्ष में आए हुए हैं। ये सभी लोग इसमें पंचायत के प्रधान भी शामिल हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि जो अंदर इन पुलिस द्वारा क्या पुलिस में जो अंदर गए थे उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई और क्या आगे का प्लान है, इनके इनसे हम बात करेंगे। तो जैसा कि हमने कहा था, ननौवा पंचायत के जो प्रधान जी हैं, हम उनसे बात करेंगे जो कि पुलिस स्टेशन में बड़सर पुलिस में मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जो पुलिस स्टेशन में जितने भी लोग आए हैं या पुलिस द्वारा जो क्या कार्रवाई की गई। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन न्यूज़ पे। थैंक यू वेरी मच जीवन उत्साह का। हम आए गांव वाले यहाँ, मैं तारीफ़ करूँगा सारे पुलिस डिपार्टमेंट की कि उन्होंने हमें बड़े अच्छे तरीके से जो है वो सुना, सबकी बातें सुनी और ये अश्योर किया कि जो भी फैसला होगा, जो भी जांच होगी वो बिल्कुल निष्पक्ष होगी। हम तथ्यों के आधार पर चलते हैं। हम लोगों को जो वहाँ पर मौके पर मौजूद थे उनके उनके बयान भी लिए, उनके बयानों को कलमबद्ध करने जा रहे हैं वो लोग। लेकिन जो पब्लिक के साथ, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मास्टर हमें मिले सुखदेव जी SI, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारे साथ ये बात की। उसके बाद SHO साहब आए, उन्होंने तो मतलब पुलिस वाली कोई ऐसी बात नहीं कही कि उन्होंने बड़े एक इंसानियत के तौर पर हमारे से बात की, सबकी बातों को सुना और ये अश्योर किया कि किसी के साथ भी जो है वो अन्याय नहीं होगा, हम बिल्कुल न्याय करेंगे। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो 5 व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं, क्या वो पहले भी क्या इस उनका किस जो गांव में माहौल होता है, क्या उनका पहले भी कोई इस तरह की कोई वारदात हुई है या नहीं हुई है? अगर आपने दिल से पूछना है तो ये लोग इतने शरीफ हैं कि मैं इनकी मिसाल नहीं दे सकता। ये जो रिकी राम जी हैं, अगर आधी रात को भी जरूरत पड़े इनकी किसी काम के लिए तो वे आधी रात को भी हर किसी के काम के करने के लिए तैयार हैं। और दूसरे जो इनके बड़े भाई हैं, हम इनका नाम तो लक्ष्मण है लेकिन हम इनको सभी जति कहते हैं। तो आप जानते हैं कि रामायण में जति की क्या भूमिका रही है, तो इतने शरीफ हैं। अच्छा सर, जो जिन जिन महिला ने जो भी FIR दर्ज करवाई है उनका किस तरह का बिहेवियर है? बहुत झगड़ालू टाइप का बिहेवियर है उनका हमेशा। तो आपका आगे का क्या प्लान रहेगा इस मामले को लेकर? प्लान तो हमारा यही है कि हम तो यही करेंगे कि जो जांच है वो निष्पक्ष हो और सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हो, क्योंकि ये जो फैमिली अरेस्ट की हुई है ये ऐसी फैमिली नहीं है कि ये ऐसा मतलब घिनौना कर्तव्य कर सकती है। अब ये क्या मतलब हैपनिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, जब हाथापाई होती है तो नेचुरली है कोई मतलब हो सकता है कोई ऐसी बात हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो कत्ल करने के इरादे से हताबाई हुई हो। जी हाँ जी। तो जैसा कि अभी हमने आपकी बात करवाई ननौवा पंचायत के प्रधान से, जी क्या कहना चाहते हैं? और लड़की और दामाद जो थे वो तो बेचारे उसी समय आए, साइड में खड़े थे, उस औरत ने जो इनको भी इन्वॉल्व कर दिया, वो तो एकदम सरासर झूठा आरोप है उन पे और उनको भी अरेस्ट करवा दिया। जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं गांव वालों का इस मामले को लेकर जो है जिन लोग जिनके जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं वो उनका जो गांव में जो है बहुत ही बिहेवियर जो बहुत ही अच्छा, तो इस तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि सभी गांव वाले लोग जो इकट्ठे हुए हैं इस मामले को लेकर। तो अभी जब ये घटना घटित हुई थी उस समय मौके पर उपप्रधान जी भी मौजूद थे, तो क्या घटना घटित हुई थी तो उस समय, तो हम उपप्रधान जी से बात करेंगे इस विषय के ऊपर। तो हम आप बने रहिए इसी तरह से जीवन न्यूज के साथ।
इस मामले में यहाँ पे जो गांव के जो महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, मतलब गांव के सभी लोग एकत्रित हुए हैं, तो पुलिस स्टेशन में इकट्ठे हुए इस मामले को लेकर जो है पुलिस में अपने जो भी पंचायत के प्रधान जो भी उस घटना पे स्थल पे जो मौजूद थे वो अपने बयान कलमबंद करवा रहे हैं। हम इस मामले सच्चो साहब से बात करें तो हमारे पीछे यहाँ पे जो गांव की महिलाएं खड़ी हैं, हम उनसे कुछ बात करना चाहेंगे इस विषय के ऊपर। ये बेटे ऐसे बहुत अच्छे आदमी है, ये लक्ष्मण जती है बेचारा, वो बड़ा भाई है, छोटा रेखी है, इतने अच्छे आदमी है, गांव में कभी से किसी से ऐसे मैं तू भी नहीं की है, कने वो इन्होंने नहीं मारा, वो बेचारा गिरया, चोट भी लग गई होगी, वो गिर जा रहा, मैं गिर जा रहा था, मेरे को भी लग जानी, तो ऐसे है वो गिरता गिरता बेचारा मर गया होगा, तो इन्होंने नहीं बेचारे ने मारा है, इस इन आदमियों को छोड़ दिया जाए। मतलब जिन जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं वो निर्दोष है आपका कहने का? हाँ जी ये है बस, हम सब महिलाओं का बेटे बहुत निर्दोष है, वो बहुती जो आई है वो ऐसे गेट में से खड़े, तो उनको हमारे सुनने से आया पे लड़की को खींचा और उसने मारा बम्पर से, लड़की को भी मारा, वो बेचारे अपने घर से आए, वो उन्होंने मनी बोला कुछ, इन्होंने मनी बोला बेचारे ऐसे ही ठाणे को ले आए। तो अभी आप लोग एसएचओ साहब से अंदर मिले, तो एसएचओ साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? ऐसे बोला कोई नहीं भाई, मैं तेरा बोला बेटे ना, बड़े नहीं पढ़ू दे, आहे बोल रहा पे इनको छोड़ दिया जाए, इनकी कोई गलती नहीं है बेचारों की, बेटे की छोटे छोटे बच्चे हैं उनको रिहा कर दिया है, बहुत सारे बंदे हैं सारे, सभी ये बेचारे के सरकारी मुलाजिम है, वो ऐसे फंस गए, ऐसे आके माता के मंदिर आए हुए थे मत्था टेकने के लिए और मापे के घर आ गए, बेचारे इतने शरीफ है, इतने के, मैंने तो उसी टाइम पर भी बोल दिया था, फिर क्या हुआ है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि गांव की महिलाओं का भी कहना है कि इस मामले में जो है ये व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं वो कहीं ना कहीं निर्दोष हैं, ये जो घटना हुई आज भी हमारे बीच में, यहाँ पे जिला परिषद संजीव कुमार ही मौजूद हैं, इस मामले हम उनसे ही बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। इस मामले लेकर सर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि मैं पिछले 20 साल से लगभग ब्याड़ क्षेत्र में काम करता हूँ, ब्याड़ क्षेत्र में रहता हूँ, मेरी दुकान है वहाँ पे, तो मैंने जहाँ तक इनको देखा, इनका जो लड़का है काकू नाम है उसका, एयरफोर्स में जॉब करता है वो, तो वो मेरे से 2 क्लास पीछे पड़ा है, बहुत ही नाहित ही शरीफ आदमी, इनकी मदर है हमारे पास दुकान में, हमारे कस्टमर हैं, इनके फादर हमारे कस्टमर हैं, बहुत ही शरीफ आदमी ये हैं। जब हमें इस चीज़ का पता चला, हमारा सांसद खेल महाकुंभ का चला हुआ था बुमलू में कार्यक्रम, तो वहाँ पे मुझे इसका पता चला, तो मैंने फ़ोन के माध्यम से जानकारी ली, तो मुझे पता चला कि ऐसे कोई झगड़ा हुआ, लेकिन ये जो कैजुअल्टी हुई है ये एक अचानक ये गिरने की वजह से हुई है, क्योंकि वहाँ पे पाइपें वगैरह थी, कुछ पाइपें वगैरह में वहाँ पे उनका पैर पूर फंसने से वो कैजुअल्टी हुई है जो मैंने सुना है जी। और इस बात की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि ये जो फैमिली आज अरेस्ट है, जितने भी लोग हैं इनको मैं सबको जानता हूँ, बहुत ही शरीफ, मतलब किसी को, मतलब जितने भी लोग इनके समर्थन में आए हैं, पूरे का पूरा गाँव इनके समर्थन में है, तो इसी से आप भी हिसाब लगा सकते हैं। एसएचओ साहब ने भी अभी पूरा आश्वासन दिया कि जो भी है, जो भी होगा वो निष्पक्ष होगा, किसी के मतलब किसी के दबाव में नहीं, कोई नहीं, आप इनको आश्वासन दिया सबको कि जो भी कार्रवाई होगी वो बिल्कुल सही तरीके से होगी और एक एक चीज को जो है उस तथ्य में जोड़ा जाएगा। जी धन्यवाद संजीव कुमार जी। तो अभी आपने सुना है कि जो जिला परिषद संजीव कुमार जी, उनका कहना है कि जो एसएचओ साहब ने, उन्होंने गाँव वालों को आश्वासन दिया कि इस मामले जो भी जाँच होगी वो निष्पक्षता से जाँच होगी। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में, देख सकते हैं किस तरह से पूरे गांव वाले जो यहां पे एकत्रित हुए इस मामले को लेकर। तो अभी हम एसएचओ साहब से इस विषय के ऊपर बात करेंगे और जो उप प्रधान जी थे जो इस मामले के मौके पे मौजूद थे, हम उनसे ही बात करेंगे कि जो घटना जो है कैसे घटित हुई। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम ननोमा पंचायत के उप प्रधान, ब्याड़ पंचायत ननोमा पंचायत के उप प्रधान से बात करवाएंगे, तो हमारे बीच मौजूद हैं उप प्रधान जी। उप प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन सा न्यूज़ पे। उसमें ऐसा था कि गौरीनंद का प्रार्थना पत्र हमारे कार्यालय में आया था या प्रधान के द्वारा आया था, हमें सूचित किया गया था कि इनके घर जाओ, तो एक दिन पहले हम गए थे 30 तारीख को, उस दिन एक पार्टी नहीं मिली, जब हम फैसला करते हैं तो सभी पार्टियां वहां होंगी तभी फैसला हो सकता है, तो उसके बाद उनसे बात की, फ़ोन किया, उसके बाद हमने निर्धारित की कि संडे को 2 जनवरी को हम आपके पास आएंगे, तो हम 2 जनवरी को वहाँ गए और मौखिक रूप से हमने इनका लगभग समझौता कर दिया था और सारा मौखिक रूप से हमने समझा दिए थे इनको, और उसके बाद हम उस मौखिक समझाने के बाद जैसे हम लिखित करते हैं तो हमारे जो सदस्य होते हैं उनसे भी हम
बातचीत करते हैं ना इसके बारे में, क्योंकि अकेला फैसला नहीं होता है, हम उनके जैसी ज्यूरी होते हैं उनसे बात करते हैं। तो हम जैसे ही मतलब बात कर रहे थे, और जो बात करने में जैसे थोड़ा समय लगता है उसी समय इनका आपस में झगड़ा हो गया। और झगड़े की शुरुआत कौन करता है? झगड़े की शुरुआत वहाँ उन्हें से, वहाँ दोनों पार्टियों से हुई, उनमें से आपस में किसने किया ये तो उनमें कह सकते हैं। ये झगड़ा जो हुआ किस बात को लेके हुआ? ये झगड़ा पता नहीं, या शौचालय बनाने के लिए तो नहीं, क्योंकि वहाँ तो सहमति उनकी बन चुकी थी जब हमने उनको कह दिया, दोनों पार्टियां सहमत थी, तो किस लिए हुआ ये तो नहीं मैं कह सकता कि किस बात पर उन्होंने कहा। इनका को पहले का केस, पहले का बड़ा पुराना केस चला हुआ है इनका आपस में, लेकिन शौचालय के जो बनाना चाहती उसमें, क्योंकि उनमें तो सहमति हो चुकी थी। और उनकी लड़की रिम्पी हमारे पास, जैसे हम साइड पर खड़े थे मतलब बातचीत कर रहे थे, मैं और सदस्य वार्ड सदस्य, तो चलाती हुई आई, तो हम एकदम दौड़े और हमने देखा कि गौरीनंद से मतलब थोड़ा सिर से खून बह रहा है, और उसके शायद वो बरामदे में गायत्री देवी जी हैं, और साथ में नीचे गौरी उनके भाई सरदार जी और लक्ष्मण जी हैं, रखी जी हैं जी। हाँ, ये देखिए, फिर जैसे हमने देखा कि उनको हमने बोला कि जब आपने ऐसा काम करना तो हमें क्यों बुलाया, कि जब हमने आपकी सहमति कर दी तो आपने हमें क्यों बुलाया जब आपने ऐसा काम करना था। उसके बाद उन्हें वापस में दिल्ली देने की, वो कहना हमें मारा, हमें जैसा किया वैसे किया, और हमने सोचा ये तो बहुत गलत काम है जी, जैसे जो हम कर सकते। उसके बाद हमने उनसे बात की, लग के जो आप चोटें वगैरह, ये चोट जो वहाँ पर तो किस चीज़ से प्रहार हुआ ये तो वहाँ तो कोई ऐसी औजार में नहीं था कि किस चीज़ से उन्होंने प्रहार किया है जी। उसके बाद हमने जैसे हमें मतलब उसके बाद हम साइड पे चले गए और पुलिस को इन्फॉर्म किया इसके बारे में हमने जी। ये हुआ तो मतलब ये जो घटना घटित हुई जो, तो आपके सामने हुई या नहीं हुई? हम तो सामने के, हम साइड पे थे ना जी। कौन किसके, वो बरामदे में थे, हम थोड़ा मकान के पीछे थोड़ी खाली जगह है, वहाँ हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ा ना जी। उस समय घटना घटी है। अच्छा, हाँ जी। तो अभी आपके द्वारा पुलिस स्टेशन में पूरा गांव इकट्ठा होकर आया था, तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? उसमें ये था कि नजायज किसी को तंग न किया जाए और जो मतलब सच्चाई तक जाए, बस यही बात हुई थी। कि जो इसमें मेन ये था कि जिनके जो एक दामाद और लड़की आए हुए हैं ना, उनका रोल था, वो साइड पर बैठे हुए थे, इनका इसमें कोई रोल ही नहीं था, और उनको व्यस्त कर लिया इसके में कि ये इसके मतलब ये जिनका रोल नहीं है उनको मतलब भेजा जाए, उनके ऊपर मुकदमा ना चलाया जाए, बस ये था। बाकी जो तो उसकी तहकीकात चली है, जो जैसे होगा वो ठीक है, लेकिन जो दो आदमी जो इनका तो किससे लेना देना नहीं था जी। हाँ जी। तो अभी आपके द्वारा पुलिस स्टेशन में जब आप अंदर गए, तो आपके द्वारा क्या बयान कलमबंद करवाए गए? जो जो हमने जो देखा उसके बारे, उसके जो हमने देखा है वही तो हम बयान कलमबंद करें, जो हमने देखा जी। जो हमने देखा वही तो हमारे बयान वो कलमबंद करें जी। ये तो अभी दर्शकों हमने आपकी बात करवाई ननवा पंचायत के उपप्रधान से, जो कि उस घटना के मौके पे जो थे वहाँ मौजूद थे, तो जो भी घटना हुई, तो अभी आपने सुना है कि उन्होंने अपने बयान जो है अभी आपको दिखाए और कहा कि ये जो घटना कैसे किस तरह से घटित हुई। तो फिलहाल जीवनसा न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे, भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।